ऐसे ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया था शॉट पुट का, स्कूल की जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है उसके लिए ट्रायल चल रहा था, तो वो रहता है सबसे आगे फेंकने का। मैं मोहित भाटी, प्रोफेशनल शॉट पुटर, 3 टाइम स्टेट गोल्ड मेडल, 1 टाइम नेशनल जूनियर ब्रॉन्ज मेडल। पापा की चढ़नी से ही मेरी स्टोरी चालू हुई है। शुरू से ही मेरे को खेल का बहुत ही शौक था, खेलने का। बड़े में कमजोरी था लगभग, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ खेल का मेरा क्रेज भी और बढ़ गया, खेलने की बहुत ही इच्छा भी हुई और खेला भी मैं बहुत। भाई क्या है कि सुबह बैट लेके जाता था, उठता था, बैट लेके जाता था सुबह, शाम को वापस आता था, और दिन भर उसका यही काम होता था। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ ध्यान नहीं, वहाँ पे खेलता था। तो मतलब खेल भी इसका ऐसा था, मैं इस स्कूल में खेलता था, तो मतलब कोई बोलता था चौका तो चौका मारता था, कोई बोला छक्का तो सीधा छक्का जाता था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से खेलता था। जब चांस मिला तो 11 में नाम आया मेरा क्रिकेट में, स्टेट में। आगे फिर क्या है कि वो पक्षपात या कुछ कह दो, मतलब इसको पीछे बिठा देते थे, मतलब ये सबसे अच्छा खेलता फिर भी इसको बाहर बिठा देते थे, 12वें में 13वें में, मतलब वो जो भी। पापा को देखता था, पापा अच्छा फिजिक दिखता था मेरे को, मूवीज़ में जैसे किसी हीरो को देख लिया वैसे पापा को देखता था, तो मेरे को अच्छा लगता था। मैंने भी सोचा पापा जैसी बॉडी वॉडी बनानी है। शुरू से ही इसको बहुत ही लगाव रहा है खेल के बारे में, तो पीटे ने बुलाया कि इसको आगे तक खेले, अच्छा खेल रहा है अभी यहाँ पे तो, और अगर आगे इसको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो और अच्छा खेल सकता है। फिर ऐसे मेरा 12th तक 3 नेशनल खेले थे मैंने, उसमें तीनों में नेशनल में गोल्ड थे। उसके बाद में ओपन स्टेट में भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही, स्टेट में 3 लगातार गोल्ड, हर ईयर में गोल्ड था, एंड जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लगा। मोहित का एक बार क्या हुआ कि दुकान पे मैं खड़ा था, ये भी खड़ा था, तो ये 13-14 साल का था उस टाइम, 13-14 साल का था, तो काफ़ी फैटी हो गया था, फैटी हो गया था। तो एक बस आई स्कूल के बच्चों की, बच्चे थे 5 साल 7 साल के, तो वो सब बच्चे मस्ती के मूड में थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो बस वहाँ दुकान के पास रुकी, मोहित बाहर खड़ा था, तो वो बोलने लगे मोटा 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 मोटा, तो मोहित का क्या आया कि चेहरा उतर गया। मेरे को आके बोले, मेरे तो बच्चे समान मतलब मेरे से यूँ दोस्त टाइप रहता है, तो मेरे को बोले यार मैं मोटा हूँ, मैं कह है थोड़ा, तो कह यार मेरे को शर्म आती है ऐसे बोलते लोग, मैं स्कूल में भी मेरे को ऐसे बोलते हैं, यहाँ भी ऐसे बोलते हैं, तो मैं कह भाई शर्म आती है तो एक्सरसाइज करो और खाने पीने का ध्यान रखो। मतलब इसकी जिद इतनी है कि मेरा इतना शब्द कहना हुआ, और उस दिन से उसने सेल्फ कसरत शुरू कर दी घर पर, पहले घर पर, फिर भाई के साथ जिम में। तो वो दिन और आज तक ये मतलब एक्सरसाइज इसने नहीं छोड़ी, मतलब एक बात से इतना परिवर्तन हो गया।